गर्मी आ रही। Good afternoon. Let us start. Again we will need मनी कंट्रोल। हाँ, जिसके पास नहीं है मनी कंट्रोल डाउनलोड कर लेना। Okay, so today we will have to discuss options. बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है ऑप्शन, राइट? लास्ट टाइम हमने जो देखा था फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स, वो क्या था कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, राइट? कि आपने अगर लॉन्ग लिया है, मतलब You want to buy, तो भाव बढ़ा है तो हंसते हंसते एग्जीक्यूट करो, प्रॉफिट है। भाव घटा है तो रोते रहते लॉस है, लेकिन एग्जीक्यूट तो करना पड़ेगा। सपोज आई डू अ फॉरवर्ड और अ फ्यूचर्स, वेरी नाइस, आई विल बाय 100 और फिर लास्ट दिन भाव 90 है तो भी मुझे 100 पे करना ही पड़ेगा, मैं उससे छूट नहीं सकता हूँ, राइट? दैट इज फॉरवर्ड और फ्यूचर्स। सो दैट इज वेयर ऑप्शंस आर कंप्लीटली डिफरेंट, राइट? ऑप्शंस में ऐसा है कि सपोज मैंने प्रॉमिस दे दिया कि 90 पे बाय कर रहा हूं या 100 पे बाय कर रहा हूं। सपोज आई प्रॉमिस दैट आई विल बाय एट 100, राइट? तो अगर 110 है तो करूंगा, तो मैंने बाय किया 100 पे, प्रॉमिस किया है, तो अगर 110 है तो मैं करूंगा। लेकिन भाव अगर 90 है, मतलब लॉस हो रहा है, देन आई कैन वॉक आउट, कि मेरे को नहीं करना है, राइट? कि अगर प्रॉफिट है तो करूंगा, लॉस है तो नहीं करूंगा। दैट इज एन ऑप्शन, राइट? वो चीज सिर्फ ऑप्शन में पॉसिबल है। बट देयर आर नो फ्री लंचेस, राइट? कि कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है, राइट। इसमें क्या है, प्रॉफिट है तो आपका और लॉस है तो नहीं। तो दिस इज काइंड ऑफ अ फैसिलिटी, ऑलवेज रिमेंबर एन ऑप्शन इज अ फैसिलिटी। जस्ट लाइक इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी एक फैसिलिटी होता है। मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस ले लिया, राइट, तो गाड़ी को कुछ होगा तो पैसा मिलेगा, वरना कुछ नहीं, राइट। तो फैसिलिटी के लिए क्या देना पड़ता है, इंश्योरेंस के लिए क्या देना पड़ता है, प्रीमियम, राइट। तो ऑलवेज बायर पेज अ प्रीमियम, बायर को प्रीमियम देना पड़ेगा। एंड डोंट कंफ्यूज प्रीमियम विद मार्जिन। फ्यूचर में मार्जिन था, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो रिफंडेबल है। मार्जिन इज रिफंडेबल, दिस इज नॉन रिफंडेबल। जस्ट लाइक योर इंश्योरेंस प्रीमियम, गाड़ी का प्रीमियम भर दिया, एक साल में गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, तो प्रीमियम तो गया आपका, यू कैन नॉट रिकवर इट, राइट। तो ऑप्शन में हमेशा प्रीमियम होगा और ये एक फैसिलिटी है। एंड अगेन हम जो डिस्कशन करेंगे वो मोस्टली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर करेंगे, बट डोंट फॉरगेट दैट फॉर एवरी बायर देयर इज अ सेलर। लाइक इंश्योरेंस, इफ वी आर बायर्स देन द कंपनी इज अ सेलर ऑफ इंश्योरेंस। समझ रहे हो, एक बार इंश्योरेंस ले लिया, मैं चाहूंगा गाड़ी ठुके, कंपनी चाहेगी गाड़ी ना ठुके। मतलब जो इवेंट है पे आउट वाला, बायर चाहेगा कि ऐसा हो, सेलर चाहेगा कि ऐसा ना और वो बच जाए, सो दैट उसको जो प्रीमियम मिला है वो उसको रखने को मिले, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस। एंड ऑप्शंस दो टाइप के होते हैं मेनली, राइट। वन इज कॉल, अनदर इज पुट, ठीक है। तो okay, so there are mainly two types of options, call and put. So call है, it's a facility to buy, और put है, it's a facility to sell, facility to buy and facility to sell. So let us take a live example. मनी कंट्रोल खोलो। लास्ट टाइम किसका फ्यूचर देखा था मनी कंट्रोल पे? बेल। तो बेल ही चालू रखते हैं, निकालो बेल। मिला बेल, तो उसका स्पॉट प्राइस है 39.35, बराबर। स्पॉट 39.35 है। फिर ऑप्शंस में चले जाओ, ऑप्शंस में चले जाओ आप। ऑप्शंस में है, एक्सपायरी दिख रही है जनवरी फरवरी ऐसा सब, तो फ्यूचर में देखा था ना हमने, ऐसा ही है कि इंडिया में जनरली 3 मंथ का होता है कि करंट मंथ, नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट। अभी जनवरी है तो जनवरी फरवरी मार्च, बराबर, तो अपने जनवरी पे ही रहते हैं। उसमें कॉल और पुट लिखा है, बराबर। तो लेट अस से के जो कॉल है उसको निकालो, कॉल पे क्लिक करोगे ना तो स्ट्राइक प्राइस प्राइस ऐसा लिखा है, स्ट्राइक प्राइस प्राइस ओपन इंटरेस्ट ऐसा सब लिखा है, ठीक है। तो जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें आप 42 पे आ जाओ, स्ट्राइक प्राइस 42, बाजू में भाव लिखा है 1.6, isn't it? So let me write down के भेल कॉल जनवरी 42, बराबर, इसका प्रीमियम है वो 1.60 रुपीज है, इसका जो प्रीमियम है वो 1.60 रुपीज है। समझ में आ रहा है सबको, राइट? तो व्हाट डज इट मीन कि कल मार्केट चालू होगा, बराबर, और ये सारे जो ऑप्शंस है वो लाइव हो जाएंगे। तो ये जो 42 है ना उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस, स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस। ये एक्सपायरी है, मैच्योरिटी है, बराबर, ये 1.6 रुपीज है, उसको क्या बोलते हैं मार्जिन, और उसको क्या बोलते हैं प्रीमियम, प्रीमियम या प्राइस या वैल्यू, इट इज कॉल्ड प्रीमियम और प्राइस या वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, बराबर। तो ये काम कैसे करेगा, ये काम कैसे करेगा, लेट अस अंडरस्टैंड। See, सपोज मैं मेरे ब्रोकर को बोलता हूं बाय, कल सुबह ब्रोकर को बोलता हूं कि ये खरीद लो, और इसमें भी लॉट साइज तो है ना, लास्ट में देखा 21,000 लॉट साइज है बेल का, तो ये सब 21,000 शेयर्स के लिए होगा, ठीक है। तो मेरे को अगर खरीदना है तो 21,000 इंटू 1.6 मतलब 30-35,000 अपफ्रंट मेरे अकाउंट में से डेबिट हो जाएंगे, बराबर, वो वापस नहीं मिलेंगे, नॉट लाइक मार्जिन, वो गए, राइट, यू हैव पेड दैट, ठीक है। तो सपोज मैंने बाय ऑर्डर दे दिया, ठीक है, फिर क्या होगा कि ये जो जनवरी का एक्सपायरी है, क्या डेट है एक्सपायरी का? 28 जनवरी, ठीक है। तो पहले तो ये समझो कि जो बाय है, सपोज मैंने बाय किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बायर has the facility to buy Bhel stock at 42 rupees on 28 January। समझ में आया? ये 28 जनवरी को जिसने ये ऑप्शन बाय किया है उसके पास फैसिलिटी है। फैसिलिटी मतलब बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में क्या लिखा होगा, राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन, मतलब खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो चलेगा। तो 28 जनवरी जब आएगी तो जिसने ये बाय किया है वो ये शेयर खरीद सकता है, कितने पे? 42 पे। दैट इज व्हाट इट मींस। सो नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन। See, say on 20th January, let us consider different scenarios. Suppose last दिन भाव आया 40, जो स्पॉट अभी 30 और 35 चल रहा है। सपोज 28 जनवरी को प्राइस आया 40, तो क्या मैं 42 में खरीदूंगा? जो चीज मार्केट में 40 में मिल रही है वो थ्रू ऑप्शन 42 पे क्यों खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा ना। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड पे ऑफ, कि उस दिन मैं कुछ नहीं करूंगा, कि भाई जाने दो, तो जीरो एक्टिविटी, तो पे ऑफ क्या होगा, जीरो बराबर। फिर अगर 41 भी है तो भी कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं करूंगा जीरो। 42 है तो भी मतलब नहीं है, करोगे ना करो जीरो ही हुआ, क्योंकि मार्केट में भी 42 पे मिल रहा है और ऑप्शन के जरिए भी 42 पे मिल रहा है, कुछ उसमें है नहीं। लेकिन जैसे ही 42 से ऊपर गया, तो उस दिन मार्केट में 43 चल रहा है, उस दिन मार्केट में 43 चल रहा है, तो इट मेक सेंस फॉर मी, क्योंकि मैं तो 42 पे खरीद सकता हूँ ना, मैं तो 42 में खरीद सकता हूँ और मार्केट में 43 चल रहा है, मतलब ₹1 मुझे उस दिन मिलेगा। सपोज ऑप्शन से ले लो और तुरंत मार्केट में बेच दो, तो ₹1 तो मिला। तो जो लास्ट दिन होता है ना, उसको बोलते हैं पे ऑफ, जो लास्ट दिन होता है उसको बोलते हैं पे ऑफ। अब सपोज 44 हो गया तो ₹2 मिलेंगे, राइट, क्योंकि मैं तो 42 में खरीद सकता हूँ, भाव चल रहा है 44, तो आई विल गेट ₹2। इज दिस क्लियर? और ये क्या है, पे ऑफ है। दूसरी चीज होती है प्रॉफिट या लॉस। दूसरी चीज क्या होती है, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस मतलब प्रीमियम को भी गिनो, राइट। प्रॉफिट या लॉस मतलब पे ऑफ माइनस प्रीमियम। प्रीमियम में देके बैठा हूं ₹1.60, तो जहां पे भी जीरो है वो सब क्या हुआ, माइनस 1.6, ये माइनस 0.6 और ये 0.4, इज़न्ट इट। तो ऐसे काम करेगा। और जहां पे भी भाव ऐसा है, जहां पे भी भाव ऐसा है कि कुछ नहीं करना चाहिए, मतलब 40-41 पे डोंट एक्सरसाइज, 43-44 व्हाटएवर इट इज कॉल्ड एक्सरसाइज। अगर यूज नहीं करते हैं तो वी से वी डू नॉट एक्सरसाइज, और अगर ऑप्शन को यूज करते हैं तो वी से वी आर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। समझ में आया? ये सिंपल चीज है। अच्छा, और ये जो मैंने आपको चार्ट जैसे बनाया, उसको अगर फिगर में मेरे को दिखाना है, उसको अगर फिगर में दिखाना है, खास करके पी एंड एल, तो क्या होगा, मेरा जो एक्सरसाइज है वो क्या है, 42 है। मेरा जो एक्सरसाइज प्राइस है वो क्या है, 42 है। जब तक भाव 42 से नीचे रहेगा तब तक आई एम गोइंग टू लूज 1.6, मतलब 42 से कम है तो ये माइनस 1.6, और जैसे ही 42 से ऊपर जाएगा तो मेरा पैसा बनना चालू होगा और फिर वो बढ़ता ही रहेगा। देन देयर इज नो लिमिट, देन देयर इज नो लिमिट। सपोज ये 100 हो जाए, 500 हो जाए, जो भी है, एक बार 42 से क्रॉस किया तो प्रॉफिट बनेगा। और ब्रेक इवन क्या आएगा, 43.6, 42 तो है ही और ₹1.60 डाला हुआ है, तो नेट नेट 43.6 को क्रॉस करेगा तो मैं पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाऊंगा। समझ में आया? ये किसका है, लॉन्ग कॉल। कॉल जो खरीद रहा है उसके लिए है ये फिगर किसका है, जो कॉल खरीद रहा है उसके लिए है। बट डोंट फॉरगेट, एज आई टोल्ड यू, हमेशा बायर के सामने सेलर होता है, तो ये सब एनालिसिस हमने बायर का किया, पर कोई तो सेलर होगा, तो सेलर का बिल्कुल उल्टा, ये पे ऑफ और पी एंड एल है ना, उसमें साइन उल्टी हो जाएगी, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, तो फिगर में भी एग्जैक्ट मिरर इमेज। जो शॉर्ट कॉल वाला बंदा है उसका एग्जैक्ट मिरर इमेज होगा, राइट। जो बंदा लॉन्ग है, जो बंदा खरीद रहा है, उसका मैक्सिमम लॉस कितना है, 1.6, मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड, राइट। लेकिन जो बंदा बेच रहा है, जो बंदा बेच रहा है, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट 1.6, मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड। सो सेलिंग ऑप्शंस इज रिस्की, सेलिंग ऑप्शंस इज risky, right? But people do it for premium, just like insurance companies do it for premium. Suppose company गाड़ी का premium क्या लेगा, 15, 20, 25, 30 हजार, suppose, I don't know, right? But डूब गई गाड़ी, complete loss हुआ, तो पहले साल में 8 लाख 9 लाख भी देना पड़ सकता है ना, lower risk area in terms of, right? So selling options is always risky. Selling options is also called writing options. So अगर कुछ ऐसा question आया कि भाई Sam has written an option, so it means he has taken short position. He has sold the option. समझ में आया ये सबको? Writing and holding. Holder होता है जो buyer वाला होता है, sell करना वाला वो writer. Sell है वो writer. Holder मतलब generally जिसने purchase किया है. हाँ बोलो. सर जो हम लोगों ने मनी कंट्रोल के देखा ना उसमें जन 28 है बट फेब और मार्च 25 है. हाँ वो लास्ट फर्स्ट डे होता है ना इंडिया में. इंडिया में कैलेंडर लास्ट डे नहीं लास्ट फर्स्ट डे होता है एक्सपायरी, इसलिए डेट्स ऐसी है. और सर ऑप्शन चेन क्या होता है? ऑप्शन चेन मतलब अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे आपको भाव दिखाए हैं. मतलब अलग-अलग बायर्स. नहीं ये 42 है ना, 42, 43, 44 ऐसे सब अलग-अलग बताएंगे. अलग-अलग स्ट्राइक प्राइस के लिए भाव. हाँ, anyone was saying something? Yes. एक्सपायरी का बायर खरीदना ही पड़ेगा ना पूरा लॉट 42 के अगर तो डील हुआ है. ऑप्शन है ना, खरीदना है खरीदो, नहीं करना नहीं करो. नहीं जैसे फ्यूचर से पहले डील कैंसिल कर सकते हैं वाले जो नहीं तुम जो बोल रहे हो वो स्क्वायर ऑफ बोल रहे हो, तो ये चीज एक्सचेंज पे है. सी व्हाट ही सेइंग इज करेक्ट. ये सब तो मैंने समझाया आपको और ये फिगर और वो सब कब है? एक्सपायरी डेट का है 28 जनवरी का, लेकिन ये तो एक्सचेंज पे अवेलेबल है. तो सपोज मैंने कल सुबह ये पोजीशन ले ली और भाव क्या था 1.6, तो ऐसा हो सकता है कि 2 दिन के बाद तेल का भाव बढ़ गया है, ये कॉल का प्रीमियम भी 1.6 के बदले 2 हो गया है, तो मैं सुलटा सकता हूँ, मैं स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ. ये पहले बाय किया था ना फिर सेल कर दो, तो 40 पैसे का फर्क जो है मल्टीप्लाई बाय 21. तो जो फ्यूचर्स में होता है स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, वो ऑप्शंस में भी होता है, स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं. और जो टेक्स्ट बुक्स में वो लिखते नहीं है बट प्रैक्टिकली कर सकते हैं. अमेरिकन ऑप्शन नहीं, वो अलग. ये अभी जो ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ इसमें सिर्फ इतना याद रखो कि बीच में अगर मतलब एक्सपायरी से पहले स्क्वायर ऑफ करना है तो स्क्वायर ऑफ कर सकते हो ऐसा. दिस इज क्लियर सर? कॉल एक्सरसाइज कोड देखे. हाँ बोलो. तो शेयर्स खाता है मार्केट डिमेट अकाउंट में क्रेडिट में के डायरेक्ट स्क्वायर ऑफ वैल्यू सेलर नहीं. इन इंडिया नाउ इट इज डिलीवरी, मतलब खाते में शेयर आएंगे अपने जी कर दो इन्हें आपको. हां ओपन इंटरेस्ट पूरा. ओपन इंटरेस्ट मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग है. मतलब सपोज ते 3 कॉन्ट्रैक्ट करया मैं पे करया तो बधानु टोटल जे वागे 5 कॉन्ट्रैक्ट्स और व्हाटएवर दैट इज द ओपन इंटरेस्ट. मतलब इट शोज यू द एक्टिविटी. हां बोलो. पेजना 0.44 से એટલે શું હશે? ક્યાં મની કંટ્રોલમાં છે ને 42 માં પીસીઆર. हां 0.44 છે. नहीं नॉट पीसीआर. पीसीआर का कोई मतलब नहीं है, मतलब अभी नहीं है अपने लिए. हां ओपन इंटरेस्ट देखो, ओपन इंटरेस्ट इसमें नहीं लिखा है बट कोई और वेबसाइट्स पे मिल जाएगा ना सर. आमा है 0. That is PCR. Open interest PCR लख्यूज है. खाली open interest नहीं लख्यूज. Okay, ये different है. ये different है. तो तुमने buy कर, मैं sell करी. एक contract था कि आप दो contract. अच्छा चलो फुट पे चले जाओ। हाँ नहीं एक्सचेंज पे इससे लॉट्स पे ही होगा। देखो फुट जो है उसमें लेटस से 38 वाला ले लो। हाँ उसमें 38 वाला ले लो तो 1.8 भाव है। बराबर। सपोज देयर इज दिस पुट, स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस इज 38 और उसका प्रीमियम चल रहा है ₹1.80। बराबर। तो अगेन मैंने ब्रोकर को बोला बाय, तो व्हाट डज इट मीन? सो बायर ऑफ द पुट हैज द फैसिलिटी मतलब करना है तो करेगा नहीं तो नहीं करेगा। टू सेल देयर स्टॉक at ₹38 on 28 जनवरी। ठीक है कि अगर चाहे तो देख सकते हो कितने रुपए में ₹38 पे। राइट। तो अगेन लेट अस सी के क्या हो सकता है लास्ट दिन। ये फिलअप करने का ट्राई करो। ₹38 है तो अगर मार्केट में भाव ₹36 है तो क्या मैं ₹38 पे बेचूं कि नहीं बेचूं? बेचूंगा। राइट। ये मार्केट में तो सिर्फ ₹36 भाव चल रहा है बट आई कैन सेल इट ₹38। मतलब मार्केट में से ₹36 पे ले लो और ₹38 पे बेच दो तो ₹2 बनेगा। 37 में ₹1 बनेगा। यस और नो। 38 पे कुछ नहीं, मार्केट से करो इसमें करो कोई मतलब नहीं है। और एक बार 38 से ऊपर गया, सपोज 39 है तो पुट वर्थलेस हो गया। जो चीज मार्केट में 39 में बेच सकता हूं वो पुट के जरिए 38 पे क्यों बेचूं? राइट, सस्ते में क्यों बेचूं? तो जैसे ही 38 से ऊपर है तो 0 प्रॉफिट मतलब प्रीमियम माइनस करने का है। तो ये 0.20 माइनस 0.8 माइनस 1.8 माइनस 1.8 माइनस 1.8 बराबर। अगर भाव 38 से नीचे है तो यू एक्सरसाइज और इसमें डोंट एक्सरसाइज। करेक्ट। कॉल में क्या होता था? कॉल में क्या होता था? बायर ऑफ कॉल He is always bullish, right? कॉल में क्या चाहिए था कि भाव बढ़ने चाहिए, लेकिन पुट खरीदा है बायर ऑफ पुट, उसको क्या चाहिए कि भाव घटने चाहिए। राइट, वो क्या होगा? बेरिश होगा। करेक्ट। इसका फिगर अगर ड्रॉ करें, इसका अगर फिगर करें तो क्या है? 38 है, 38 से ऊपर भाव है तो 1.8 आपका गया, 38 से नीचे भाव जाएगा तो पैसा बनेगा। और ब्रेक इवन क्या होगा? 38 और 1.8 माइनस करना है। $36.2। बट रिमेंबर कि हम ये जो कर रहे हैं वो बायर के लिए है। तो दिस इज लॉन्ग पुट। सामने सेलर तो होगा, सामने सेलर तो होगा, तो वो क्या है, शॉर्ट पुट, राइट। यहां पे भी जो सेलर है उसका प्रॉफिट लिमिटेड है, 1.8 मिल सकता है। लॉस कुड बी अनलिमिटेड नहीं बोलेंगे क्योंकि प्राइस जीरो से नीचे नहीं जा सकता, बट वेरी वेरी हाई लॉस इज पॉसिबल, राइट। तो एज यूजुअल जो ऑप्शन बेचता है, जो ऑप्शन बेचता है वो काफी बड़ा रिस्क ले रहा है। समझ में आया ऑल ऑफ यू। और इसीलिए प्रैक्टिकली क्या होता है कि एक्सचेंज पे अगर मेरे को ऑप्शन बेचना है, सपोज एक्सचेंज पे मेरे को ऑप्शन बेचना है, तो मैं तो काफी रिस्क ले रहा हूं ना, तो एक्सचेंज मार्जिन मांगेगा, ऐसा होता है, ठीक है। वरना आप तो ऑप्शन बेच दो और फिर जब एक्सपायरी आए तो बोले सॉरी, राइट, जाओ केस करो, राइट। तो दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। एक्सचेंज पे अगर ऑप्शन बेचते हो ना, सपोज बेल का ऑप्शन मेरे को ये बेचना है 1.8 का, तो 21,000 इंटू 1.8 मतलब जो 35-40,000 है ना, वो अभी से मेरे खाते में नहीं आएंगे। मतलब 35-40,000 ठीक है, लेकिन 1.5-2 लाख मार्जिन चाहिए, तो वो एडजस्ट होके 1.25 लाख के आजू बाजू मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा जब तक एक्सपायरी है तब तक। फिर एक्सपायरी हो गई और सब ठीक गया, तब वो पैसा मेरे को मिलेगा, अपफ्रंट नहीं मिलेगा। तो दिस इज हाउ ऑप्शंस प्रैक्टिकली वर्क। समझ में आया सबको, ऑल ऑफ यू। और ये सब जो हमने डिस्कस किया, और इंडिया में जो अवेलेबल है ये जो ऑप्शन है वो क्या है, यूरोपियन है। ये सारे कौन से ऑप्शन है, यूरोपियन है। यूरोपियन मतलब क्या, ये जो बायर है उसकी जो फैसिलिटी है बायर सेल करने की, वो सिर्फ लास्ट दिन क्यों है, मैंने क्या लिखा है, ऑन 20 जनवरी। अगर ऑन के बदले टिल कर दूं, टिल 20 जनवरी, तो वो बन जाएगा अमेरिकन। ये अभी से लेके एक्सपायरी डेट तक कभी भी कर सकता हूं मैं वो भाव पे ट्रांजैक्शन, देन इट इज कॉल्ड अमेरिकन। सो ऑब्वियसली यूरोपियन के मुकाबले अमेरिकन में जो बायर है उसके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इसलिए जनरली यूरोपियन के मुकाबले अमेरिकन का भाव ज्यादा ही होता है। बट अमेरिकन ऑप्शंस आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज, राइट। तो होता क्या है कि इंडिया में पहले अमेरिकन ऑप्शंस थे, अभी बंद हो गए हैं। इंडिया में जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है स्टॉक्स में, वो सारे यूरोपियन ही है, वो सारे यूरोपियन ऑप्शंस ही, ठीक है। तो प्रैक्टिकली उतने दिखते नहीं अमेरिकन ऑप्शंस, बट होता है, राइट। इज दिस क्लियर? ऑप्शन का बेसिक्स पता चल गया ऑल ऑफ यू? सर आम लॉन्ग આપણે પુટ લીધું તો પછી એક્સરસાઇઝ થાય તો શું ડિફરન્સ ક્રેડિટ થાય, આપણે બાય કર્યું હોય તો આપણે પાસે શેર તો છે ને, તો શેર કેવી રીતે કરવાનું, શેર લાવ પડેगा एज पर द न्यू रूल्स। सपोज आप लास्ट दिन तक रहते हो, अगर स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो और लास्ट दिन फिर आपने एक्सरसाइज किया तो शेयर लाने पड़ेंगे आपको, मार्केट में खरीदना पड़ेगा। એટલે 36 હોય તો પહેલા 36 ઉપર ખરીદવાના, પછી 38 ઉપર આપણે વેચી શકીએ, તો વેચી શકીએ, બટ યુ વિલ નીડ ધ એક્ચ્યુઅલ શેર્સ। તો अभी रूल्स काफी डिफिकल्ट हो गए हैं, એટલે પહેલા બજારમાંથી ખરીદવાના, સ્ક્વેર ઓફ ही करना पड़ेगा आपको प्रैक्टिकली, वरना आप परेशान हो जाओगे। બજારમાંથી આપણે પહેલા ખરીદવા પડે અને પછી એ ભાવ આપણને એ ભાવ આપશે કે તમે 2 રૂપિયા પર વેચો। मतलब मोस्ट ऑफ पहले स्क्वेर ऑफ कर ही देते, तो कोई कर लेते हैं। इवन सपोज मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई डायरेक्ट में है, तो उनका क्या रूल है, और मैं कभी कभी ऑप्शंस बेचता हूँ, राइट। तो उनका क्या रूल है कि जो लास्ट थर्सडे आएगा उसमें अगर आपने कोई ऑप्शन बेचा हुआ है तो 2 बजे तक स्क्वायर ऑफ आपको कर देना है। आप अगर 2 बजे तक स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे तो उनका सिस्टम कर देगा, और जब उनका सिस्टम करेगा तो बहुत गंदे भाव पे करेगा, आप हैरान हो जाओगे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि एक्सपायरी से पहले आपको स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा इंडिया में, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि लॉट साइज है राइट, इतनी बड़ी बड़ी लॉट साइज होती है। तो एक्चुअली तो शेयर्स हम लोग कहाँ डिलीवर करेंगे या कहाँ खरीदेंगे राइट। 21,000 इंटू 2 इंटू 3 60,000 70,000 80,000 वो तो भी सब कर सकते हैं, बट मेरे को बोले कि 21,000 इंटू 36 या 40 उतने शेयर खरीदने के बेचने के, तो उसमें तो मैं पागल हो जाऊंगा। इवन ब्रोकरेज और वो सब जो लगेगा इट विल बी इनॉर्मस। तो आई हैव टू बी केयरफुल कि मेरे को पोजीशन बंद कर देना। ऑप्शन गेम प्रीमियम करती है देखो, यूरोपियन मतलब सिर्फ लास्ट डे को कर सकते हैं जो हमने डिस्कस किया अभी, और अमेरिकन मतलब आज से लेके लास्ट दिन कभी भी ऐसा। अंडरस्टूड? हाँ, बायर के लिए अमेरिकन वाला बेटर है इंडिया में, लेकिन यूरोपियन हो रहा है क्योंकि अमेरिकन क्या है जो फॉर्मूला और मॉडल्स है ना उसमें अमेरिकन का मतलब बहुत डिफिकल्ट एनालिसिस हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिकली यूरोपियन ही चल रहे इंडिया में। कटमा जवाब दे ना। तो अपने लॉन्ग पुट ले दो तो मुझे मार्केट में जो एक्सरसाइज था वो अपना 36 के 32 में ले दो। हां, आपने ये मुझे 38 में बेचवानी फैसिलिटी आपको तो 38 में खरीदनी है। ले ये जरा एक्सपायरी हो ना तारे तारा खाता में 21000 शेयर જોઈએ खाता में એ દિવસે આપણે પહેલા લઈને રાખો અને 21000 ઇન્ટુ જે બી તે સ્ટ્રાઇક પ્રાઇસ છે એ પ્રમાણે પૈસા મળશે, બટ યુ रिक्वायर ધોઝ શેર્સ ના તો લુટ પડી ગયો। હા, સી આઈ વિલ ટેલ યુ માય સ્ટોરી, મતલબ સમ ઓફ યુ માઈટ ગો ઇન્ટુ ટ્રેડિંગ સમ ડે इवन इन अ स्मॉल वे। मेरे साथ एक बार क्या हुआ था, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर्स, बट ऐसा कुछ था कि HCL Tech है बराबर, उसका स्ट्राइक प्राइस सपोज 1000 बराबर, और मान लो कि भाई 25 नवंबर एक्सपायरी था बराबर, और मैंने बेचा था 2 रुपए में, तो मैंने बेचा था 2 रुपए में क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो HCL का भाव था 870। सपोज महीना जब चालू हुआ तो मैंने देखा कि HCL Tech का भाव है 870 और 1000 वाला जो कॉल ऑप्शन है उसका भाव चल रहा है 2 रुपया। तो मुझे लगा यार ये 1000 को तो क्रॉस नहीं करेगा राइट, 1000 को क्रॉस नहीं करेगा, और इसका लॉट साइज उस टाइम था 1400। तो मैंने देखा कि 2 रुपया इंटू 1400 2800 अपने कमा सकते हैं बराबर, एंड आई वाज वेरी श्योर कि 1400 ये जो है प्राइस वो 1000 को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो सपोज उस दिन था 1 नवंबर जब मैंने ट्रेड चालू किया बराबर, फिर जब एंड डेट आया 25 नवंबर आया, समझ रहे हो, 25 नवंबर आया तो HCL का भाव सिर्फ 920 था, लास्ट दिन आ गया 920 है भाव, स्ट्राइक प्राइस तो 1000 है बराबर, तो कोई चांस नहीं है बराबर। तो पुराना जो रूल था ना, पुराना रूल इंडिया में, उसमें क्या होता कि ये तो कोई चांस नहीं है, तो जैसे ही 3 बजते उस दिन के मुझे ऑटोमेटिकली 2 रुपये जो थे मेरे और इंटू 1400 2800 रुपये मिल जाते हैं। लेकिन अभी इंडिया में रूल क्या है कि या तो लास्ट दिन को सेटल करो या स्क्वायर ऑफ करो, तो मुझे क्या करना चाहिए था कि उस दिन कॉल का भाव 5 पैसे चल रहा था जो लास्ट दिन आता है ना, और बिल्कुल चांस नहीं है, फिर भी सुबह देखोगे 10, 11, 12 बजे तो 5 पैसे 10 पैसे ऐसा भाव चल रहा था। तो मैंने सेल किया था, मुझे करना क्या चाहिए था कि बाय करो, तो ₹2.05 मतलब 1.95 मिल जाता, मेरे को 1.95 मिल जाता, मल्टीप्लाई बाय 1400, तो आई वुड हैव बीन गुड राइट। लेकिन उस टाइम ये सिस्टम जस्ट चालू हुआ था और मेरा 2-3 महीने से एक्सपीरियंस क्या था कि मेरा जो सिस्टम है आईसीआईसीआई डायरेक्ट, वो ऑटोमेटिकली 2 बजे भी करता था ना, तो भी 5 पैसे 10 पैसे भी होता था। तो आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट कि इस बार भी हो जाएगा राइट। लेकिन उस दिन मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, 5-6 दिन के बाद मैंने देखा तो मुझे पता चला कि उस दिन क्या हुआ था कि मैंने तो करा नहीं 5 पैसे में राइट, और फिर वो दिन 2 बज गए। और ये जो पिक्यूलियरिटी है ना इंडियन मार्केट का, वो कुछ लोगों को पता है कि भाई ये ऑटोमेटिकली सुलटाने पड़ेंगे। तो ऐसा हुआ था कि उस दिन जब 2 बजे का ट्रेड हुआ ना, जब कंपलसरी सेट ऑफ करना पड़ेगा, तो मेरा सेट ऑफ हुआ 3.5 पे। समझ रहे हो मेरा सेट ऑफ कितने पे हुआ? 920 भाव, 3 पॉइंट। हाँ भाव ऐसा था, मतलब कॉल का अंडरलाइन कोई वैल्यू नहीं था, बट मार्केट तो सिस्टम कैसा काम करता है कि सामने वाला कोई ट्रेड एंटर करेगा कि मेरे को 3.5 पे बेचना है, और सामने मेरी सिस्टम तो ऑटोमेटिकली खरीद रही है। तो स्क्वायर ऑफ कितने पे हुआ? ₹3.50। मतलब इंस्टेड ऑफ अर्निंग ₹2 आई लॉस्ट 1.5। हाँ वो सब था तो भी, तो ऐसा होता है। तो इसीलिए आपको स्क्वायर ऑफ लास्ट दिन पे करना ही पड़ेगा, सिस्टम पे भी भरोसा नहीं रख सकते, वरना कोई भी बोगस भाव पे स्क्वायर ऑफ हो सकता है एंड नोबडी इज लायबल फॉर दैट, ये आपकी गलती है। तो ऐसा होता है, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या, ये तो जो भाव चल रहे थे स्टॉप लॉस की क्या जरूरत है? ऑटो स्क्वायर ऑफ वही तो। हाँ नहीं वही ना, सबको पता है कि ये जीरो था। आईसीआईसीआई डायरेक्ट जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उनका ये रूल होता है। तो 2 बजे कोई मस्ती करने बैठा होगा, उसकी लॉटरी लग गई। हाँ और मैं तो बोल रहा हूँ ना, आई वाज नॉट श्योर, मैंने तो चेक भी नहीं किया था। ये तो 5-6 दिन के बाद मैं गिना था कितना प्रॉफिट हुआ इस बार। देखा कि ये तो लग गए अपने। तो इसीलिए हम लोग रिस्क में भी पढ़ेंगे कि रिस्क कई प्रकार के होते हैं राइट। एक होता है मार्केट रिस्क, जो मेरे केस में कवर था। मार्केट रिस्क मतलब भाव का ऊपर नीचे, वो तो सब सही था। फिर कभी कभी आता है क्रेडिट रिस्क, लेकिन एक्सचेंज में कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता है क्योंकि गारंटीड पैसा है, तो वो भी मेरा कवर था। तीसरा होता है ऑपरेशनल रिस्क, जिसमें मैं फंस गया कि आपको सिस्टम सही पता नहीं है, या आप गलतियां कर रहे हो, या फ्रॉड वॉड हो रहा है, तो दैट इज ऑपरेशनल रिस्क। तो मेरा जो लॉस हुआ वो कंप्लीटली ऑपरेशनल रिस्क के कारण हुआ। एंड जस्ट इमेजिन इन फाइनेंस इंडस्ट्री थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज आर वर्किंग राइट, तो ये बहुत रहता है राइट। अभी एक केस था जिसमें सिटी बैंक ने गलती से कुछ $900 मिलियन का वायर ट्रांसफर कर दिया था, और अभी भी केस चल रहा है। $900 मिलियन उसका गलती से वायर ट्रांसफर कर दिया था जिस पार्टी को पेमेंट नहीं देने का था राइट, उसको गलती से आपने पेमेंट दे दिया। तो ऑपरेशनल रिस्क भी बहुत बड़ा होता है। ये कंपनी डेब्ट मार। अच्छा अभी कुछ टर्मिनोलॉजीज है, देयर आर सम टर्मिनोलॉजीज व्हिच यू शुड नो। तो ये सब हमने जो डिस्कस किया ना ऑप्शंस में, ऐसा याद रखो कि अगर ऑप्शन वर्थ एक्सरसाइजिंग है तो इट इज कॉल्ड इन द मनी, उसको क्या बोलते हैं? इन द मनी। ये आज की तारीख में भले ही परमिसिबल नहीं है क्योंकि यूरोपियन ऑप्शन है, एक्सरसाइज तो लास्ट डे को ही कर सकते हो, बट फिर भी अगर आज की तारीख में करना होता तो क्या करना फायदेमंद है? अगर यस तो ऑप्शन इज कॉल्ड इन द मनी। और अगर नॉट वर्थ एक्सरसाइजिंग है देन इट इज कॉल्ड आउट ऑफ मनी, राइट? सो अगर ये कॉल है, अगर कॉल ऑप्शन है तो इन द मनी कब रहेगा? जब स्पॉट इज ग्रेटर देन स्ट्राइक, इज इट? कॉल ऑप्शन मीनिंगफुल कब बनता है? जब भाव बढ़े, स्ट्राइक के ऊपर जाए तो इन द मनी हो जाएगा, और आउट ऑफ मनी कब हो जाएगा? जब स्पॉट कम हो, ठीक है ना, बराबर। और पुट में उल्टा, ये स्पॉट अगर कम है तो इन द मनी, और स्पॉट अगर ज्यादा है तो आउट ऑफ मनी, बराबर। और अगर सब सेम है, स्पॉट इज इक्वल टू स्ट्राइक, देन इट इज कॉल्ड एट द मनी, तो उसको क्या बोलते हैं? एट द मनी। समझना है? तो जरा देखो, बेल वाले जो है पहले कॉल ऑप्शन देखो, जो बेल के ऑप्शंस है उसमें बेल का अभी का भाव 3935 है, करेक्ट? तो ऑप्शंस जो है, कॉल ऑप्शंस आप देखो, कॉल ऑप्शंस में जो स्ट्राइक प्राइस है देखो 19 से चालू हो रहा है, लेकिन उसमें तो क्या लिखा है? एंट्री नॉट ट्रेडेड। जो अभी के भाव से बहुत दूर होंगे ना, उसमें तो ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं होता है, राइट? तो और ये सारे क्या हुए, 19 से लेके सपोज 39 तक, राइट? 19 से लेके 39 तक ये सारे क्या हुए? कौन से मनी हुए? आउट ऑफ मनी हुए ना, क्योंकि भाव चल रहा है 39, सॉरी स्पॉट चल रहा है 3935, और ये सारी एक्सरसाइजेज है तो ये सॉरी इन द मनी हुए, क्योंकि अगर मान लो 39 स्ट्राइक प्राइस है तो अभी 39.20.35 है, मतलब भाव ज्यादा चल रहा है, तो 19 से लेके 39 ये सारे क्या हुए? इन द मनी, क्योंकि इन सब में स्ट्राइक प्राइस के मुकाबले स्पॉट प्राइस ज्यादा है। कैरी फॉरवर्ड पहलू बंद करी नव चालू कराऊंगी, पहला ऑप्शन ना तो ऑप्शन के कैरी फॉरवर्ड में नेक्स्ट वैल्यू नो, अभी तो मैन्युअली वो करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ऐसा कुछ है जनरली। ओके तो पहला लॉस बुक करो तो साहब तो अपन पर्टिकुलर ले लेते हैं, दैट यू कैन डू, बट मैन्युअली दो चीज आपको करनी पड़ेगी। ये कैरी फॉरवर्ड जरा कर सकता है, इनके सवाल लॉस बुक ना करो कर सको, पड़े तुम्हारे मैन्युअली करना पड़ेगा। और 40 से आगे जो भी है राइट, वो सारे क्या हो गए आउट ऑफ मनी, क्योंकि अभी जो स्पॉट प्राइस चल रहा है 39-35 उसके मुकाबले ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस ज्यादा है राइट। और इन जनरल आप देखो तो जितना स्ट्राइक से दूर जाओगे ना उतनी एक्टिविटी कम हो जाएगी राइट, उतनी एक्टिविटी कम हो जाएगी। दूर जाओगे तो फिर नॉट ट्रेडेड भी आने लगेगा क्योंकि नोबडी इज इंटरेस्टेड, समझ में आ रहा है ठीक है। अच्छा फिर दूसरी चीज के जो प्राइस होता है ना ऑप्शन का, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट मतलब देखो इसमें लिखा है कहीं पे ओपन इंटरेस्ट लिखा है? हाँ सर साइड में ही लिखा है। हाँ वो ओआई है ना, ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट, वो जो नंबर लिखे है ना सपोज 34 वाला देखो तो 504,000 है, 504,000 है, उसको डिवाइड बाय 22,000 करो तो जरा, हाँ सॉरी डिवाइड बाय 21,000, प्लॉट से 21,000 है ना, क्या आ रहा है 24, मतलब इसके मार्केट में 24 कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग है, 24 लोगों ने लॉन्ग पोजीशन ली है और 24 ने शॉर्ट पोजीशन ली है राइट। अब वो 24 लोग है कि एक नहीं 24 लिए दैट वी डोंट नो, बट बेसिकली 24 कॉन्ट्रैक्ट्स आर आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट। हमें कुछ सेल ना तो एक्सचेंज तो ठीक हो ना, एक्सचेंज तो खाली बाय बाय करूंगा, कोई सेलर ना हो तो ना तो मैं समझ में आया। नंबर ऑफ पीरियड हां सर समझ कॉन्ट्रैक्ट दिवस वाली का नहीं पता चलेगा लोगों का इंटरेस्ट का है। तुम देखो ऊपर इंटरेस्ट भी देखो दूर के स्ट्राइक में नहीं है, नजदीक जैसे जाओगे ना तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो जो टेक्निकल ट्रेडर्स है ना वो लोग इसका ध्यान रखते हैं कि सबसे ज्यादा लोगों ने कौन से स्ट्राइक पे किया है राइट। तो जो टेक्निकल एनालिस्ट लोग होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं शॉर्ट टर्म, वो ओपन इंटरेस्ट और ऐसी चीजों का काफी ध्यान रखते हैं। अच्छा अभी दूसरा चीज के जो आपका प्रीमियम है मतलब जो भाव है प्राइस है, इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू एंड अनदर इज कॉल्ड टाइम वैल्यू। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होता है टाइम वैल्यू ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या कि you can say it is the payoff if it is in the money or it is zero if it is out of money or at the money। भले यूरोपियन है मतलब आज कर नहीं सकते, बट फिर भी थियोरेटिकली सोचो कि अगर करते अभी के अभी तो कितना पैसा मिलेगा, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। और जो बाकी का कंपोनेंट है वो time value right। so let me give you an example, suppose xyz पे call है, strike price 100 है right, strike price 100 है, spot चल रहा है 104 और इसका प्रीमियम है 6 रुपीज, इसका प्रीमियम है 6 रुपीज ठीक है। तो कॉल इन द मनी है आउट ऑफ मनी है, स्ट्राइक प्राइस के मुकाबले स्पॉट ज्यादा है तो इन द मनी है, तो इन द मनी है तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुआ 4 रुपए हुआ कि भाई आज के आज करो तो 4 रुपए मिलेंगे बराबर, और भाव तो 6 रुपए है तो बाकी का जो 2 रुपया है वो क्या हुआ टाइम वैल्यू हुआ। वो 2 रुपया का है कि अभी एक्सपायरी बाकी है ना, अभी भी 15-16 दिन है तो कुछ भी हो सकता है, तो दैट इज व्हाई इट हैज गॉट सम वैल्यू व्हिच इज टाइम वैल्यू। जब लास्ट दिन आएगा तो टाइम वैल्यू 0, जब लास्ट दिन आएगा तो टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगा, राइट। सपोज ये जो मैंने बताया स्पॉट 104 है, बराबर। सपोज XYZ कॉल है, स्ट्राइक प्राइस 105 है, उसका प्रीमियम सपोज ₹1.5 चल रहा है, उसका प्रीमियम ₹1.5 चल रहा है, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि स्पॉट तो 104 है, मतलब स्ट्राइक के मुकाबले नीचे है, तो ये आउट ऑफ मनी हुआ, राइट। आउट ऑफ मनी हुआ मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू तो आपका जीरो हो गया, राइट। तो जितना भी है ₹1.5 वो टाइम वैल्यू हो गया, ऐसा समझ लो ऑल ऑफ यू। तो बेल में देखो, पुट के लिए देखो, बेल में पुट के लिए देखो, बेल पुट 40 और बेल पुट 39, इनके दो कंपोनेंट्स करो। बेल पुट 40 का क्या भाव है? 2.9। ये 2.9 है ना, बराबर। तो 2.9 है और 40 के मुकाबले अभी तो नीचे ही है, 39.35 भाव है ना, राइट। उस स्ट्राइक के मुकाबले नीचे है, तो 65 पैसा इंट्रिंसिक वैल्यू और बाकी का 2.25 टाइम वैल्यू, बराबर। 5.35. तो 39 के मुकाबले अभी तो भाव ऊपर है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो, तो सबका सब टाइम वैल्यू है, बराबर। ठीक है ऑल ऑफ यू। ओके करूँ रब हाँ बोल। जो 40 वालों से है सॉरी समा जीरो जीरो अपनी स्ट्राइक प्राइस 39 स्ट्राइक प्राइस 39 से नहीं यहाँ तो उठमा तो भाव ओछो थवो જોઈએ એની બદલે અત્યારે શું ભાવ છે વધારે છે ને 39 35 39 35 અત્યારે સ્પોટ પ્રાઇસ આ ચાલે છે ને હા એટલે 39 કરતા ઉપર છે એટલે ઇન્ટ્રિન્સિક વેલ્યુ 0 ઓકે હા અને બાકી જે ટોટલ 2.35 છે બધું ટાઈમ વેલ્યુ થયું। अच्छा फिर ये जो ऑप्शन प्रीमियम है ना वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होते हैं जो हमको पता होना चाहिए। ठीक है कुछ फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। वो सबसे पहला तो स्पॉट प्राइस है। सबसे पहले तो क्या है स्पॉट प्राइस है ना। कॉल में क्या होना चाहिए भाव घटना चाहिए तो इसलिए देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप राइट कि जितना स्पॉट ऊपर जाएगा कॉल का भाव बढ़ेगा और पुट का कम होगा। क्या है ये प्लस और ये माइनस। फिर दूसरा होता है स्ट्राइक प्राइस। दूसरा क्या होता है स्ट्राइक प्राइस मतलब जो फिक्स भाव है वो राइट। तो कॉल में तो वो जो फिक्स भाव है कि वो क्या है खरीदेगा भाव है तो जितना स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाएगा उतना हमारे लिए अनअट्रैक्टिव हो जाएगा तो भाव कम होगा कि भाई आपको 40 पे खरीदना पसंद है कि 42 पे खरीदना पसंद है। 40 पे मतलब स्ट्राइक प्राइस अगर बढ़ाओगे तो उसका प्रीमियम कम हो जाएगा। और पुट क्या है बेचने का भाव है आपको 40 पे बेचना अच्छा लगेगा कि 42 पे बेचना अच्छा लगेगा 42 पे तो स्ट्राइक प्राइस जितना बढ़ेगा उतना पुट का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है फिर वॉलेटिलिटी मतलब कितना मूवमेंट आता है स्टॉक में। तो ऑप्शन तो क्या है कि प्रॉफिट है तो आपका लॉस है तो यू नीड नॉट वरी। तो जो चीज ज्यादा फ्लक्चुएट होगी उसमें प्रॉफिट का पोटेंशियल ज्यादा होगा। या दूसरे साइड से देखो कि कॉल या पुट एक रिस्क का प्रोटेक्शन भी है ना कि अगर कुछ बुरा होता है तो आपको सेफ्टी है राइट। तो सपोज हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपका प्रीमियम ज्यादा होगा कि मेरा ज्यादा होगा मेरा ज्यादा होगा, मेरा ज्यादा होगा कि मेरे फादर का ज्यादा होगा? क्यों? क्योंकि रिस्क बढ़ रहा है ना। रिस्क मतलब वॉलेटिलिटी। तो जितनी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी उतना कॉल हो या पुट हो प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है। फिर ऑब्वियसली टाइम, जैसे अभी हमने सारे ऑप्शन देखे वो जनवरी वाले थे, राइट। सपोज अभी भेल 39-35 चल रहा है ना, तो 39 या 40 स्ट्राइक प्राइस देखना, जनवरी के मुकाबले फरवरी महंगा होगा या फरवरी के मुकाबले मार्च महंगा होगा। इतना टाइम ड्यूरेशन ज्यादा। इंश्योरेंस प्रीमियम भी ऐसे ही होता है ना। सपोज गाड़ी का प्रीमियम 1 साल का करवाओ वर्सेस 3 साल का करवाओ, तो 3 साल वाला ज्यादा ही होगा, तो वो भी प्लस प्लस। ठीक है। फिर इंटरेस्ट रेट है वो सिर्फ याद रखना, ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं है। एक कॉल का भाव थोड़ा बढ़ेगा, पुट का थोड़ा घटेगा। ठीक है। इफ इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज, although the effect is very very small, right, but still for theory remember कि कॉल के लिए अच्छा है, पुट के लिए बुरा है। और लास्ट में डिविडेंड्स या बेनिफिट, मतलब स्टॉक में जो डिविडेंड आएगा ना, तो प्रैक्टिकली क्या होता है, ये डिविडेंड जो होता है ना, जैसे ही डिविडेंड का डेट चला जाता है स्टॉक का भाव उतना गिर जाएगा। जैसे ही वो डेट चला जाएगा तो स्टॉक का भाव गिर जाएगा। तो अगर स्टॉक का भाव गिर जाता है तो इट इज बैड फॉर कॉल बट इट इज गुड फॉर पुट, तो इसलिए ये याद रखना है। ठीक है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिस्कशन, मैंने टेबल से आपको करवाया है, तो हर एक का लॉजिक याद रखना, तो मेमोरी अच्छी हो जाएगी। कोई लॉजिक मतलब इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्व प्रॉपर्टी, बाकी और फर्क भी नहीं पड़ता है। जो स्टॉक ऑप्शन है ना, कैंसिल ऑप्शन है ना, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है खास, थोड़ा फर्क पड़ता है, बट कॉल के लिए अच्छा होता है, पुट के लिए बुरा होता है। हाई इंटरेस्ट, हाँ, यस, ओनली। ठीक है ऑल ऑफ यू। ओके, तो यहां तक रखते हैं। सॉरी, कौन सा? हेलो, टाइम। जितना टाइम ज्यादा, टाइम जितना ज्यादा होगा ना, उतना तुमको प्रोटेक्शन ज्यादा पीरियड के लिए मिलेगा ना। सपोज तेरी इंश्योरेंस पॉलिसी 1 साल की हो, हाँ, सपोज तेरा ऑप्शन 1 महीने का है वर्सेस 2 महीने का है, तो 2 महीने वाला महंगा होगा, ऐसा। ठीक है। तो ऑप्शन का ये इंट्रोडक्शन है। स्क्वायर ऑफ केवाय गम्मे दिवसे करिए स्क्वायर ऑफ केवाय। જે બી વસ્તુ એક્સચેન્જ પર હોય સ્ક્વેર અપ થઈ શકે, ઓપ્શન બી થઈ શકે, કેમ પણ થઈ શકે, હા થઈ શકે। ठीक है। अगेन लाइक लास्ट टाइम आई विल सेंड द पेज नंबर्स, वो रिफर कर लेना। ठीक है।